बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए वैकेंसी निकल चुका है। अप्लाई का डेट क्या है, कब तक लास्ट डेट है, कितना पेमेंट लगेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितना चेस्ट होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, चलिए इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती आप यहां देख सकते हैं, ये वाला वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि आप यहां देख सकते हैं 20/7/2023 को ये अंतिम डेट है, लास्ट डेट, और ये अप्लाई करने का डेट आप यहां देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 20/6/2023 में प्रारंभ होगी। टोटल 21,391 पद है खाली है, उसके बाद आपका जो वेतन जो होगा 21,700 से लेकर के 69,100 तक हो सकता है। उसके बाद आप इसी तरह से नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी देखिए मैंने कुछ हाईलाइट करके रखा है, बस उसी को आपको हम बताएंगे। आप अगर इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल में इसको हम अपलोड कर देंगे, वहाँ जाकर के आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक आने पर आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं सिपाही पद के लिए आवेदन हेतु पत्रकारिता, चलिए आपको हम बता देते हैं, भारतीय नागरिक होना चाहिए और 1/8/2022 को उसकी उम्र 18 साल जुम जाना चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट में हो चाहे वो कोई भी प्रमाण पत्र में हो, उसका 18 साल हो जाना चाहिए ये डेट से पहले पहले। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं सामान्य वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष है। इसी तरह से आप देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 है, इसी तरह आप देख सकती हैं। उसके बाद यहाँ बिहार में नामांकित रक्षकों को उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ ऊंचाई की बात करें तो देखिए सामान्य पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए ऊंचाई और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं सीना सिर्फ पुरुषों के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, सामान्य और पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए आप देख सकते हैं बिना फुलाए 18 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। और यहाँ देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति का भी यहाँ देख सकते हैं और महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, 48 किलो का आपका वेट होना चाहिए। अब प्रथम चरण लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रश्न पत्र 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा सक्षम स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में 1 हिंदी 1 अंग्रेजी गणित सामाजिक विज्ञान इसी तरह का आपका सब्जेक्ट होगा और लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ दौड़ देख सकते हैं आप, सभी कोटि पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर का दौड़ना होगा। अगर आप 6 मिनट से पहले ही दौड़ जाते हैं तो आपको किस तरह का मार्क्स मिलेगा वो यहाँ देख सकते हैं। 5 मिनट से कम अगर आपको समय लगता है 1.5 किलोमीटर भागने में तो आपको यहाँ 50 अंक मिलेंगे और 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप भागते हैं तो 40 अंक मिलेंगे और 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक आप भागते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक 6 मिनट तक आप भागते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। इसी हिसाब से 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुषों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए यहाँ भी देख सकते हैं 1 किलोमीटर 5 मिनट में होना चाहिए और अगर आप 5 मिनट से पहले पहले दौड़ लेते हैं तो आपको यहाँ देख सकते हैं किस तरह का आपको अंक मिल जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं 4 मिनट से कम अगर आपको समय लगता है 1 किलोमीटर भागने में तो आपको 50 अंक मिलेगा और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक अगर आपको लगता है तो आपको 40 अंक मिल जाएगा और 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक लगता है तो आपको 30 अंक मिल जाएगा। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला को असफल घोषित कर दिया जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। और गोला फेंकने का यहाँ देख सकते हैं प्रोसेस क्या है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पौंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिल जाएगा और 17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिल जाएगा।
इसी तरह आप अपना यहाँ अंक भी देख सकते हैं, आपको कितना अंक किसमें मिल जाएगा, और यहाँ पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए तो उसका भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, जिसको जिसको मैंने हाईलाइट किया है बस उसी को मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं किसमें कितना पद खाली है, वो यहाँ पे इसमें दिया गया है। जैसे कि सामान्य के लिए 8,556 सीट खाली है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए 2140 पद खाली है, और अनुसूचित जाति के लिए 3400 सीट खाली है, अनुसूचित जनजाति के लिए 228, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842। उसके बाद देखिए दिनांक 20/6/2023 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। विहित प्रसिद्ध एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाइट इतना ऑफिशियल ये वाला वेबसाइट है पर बिहार पुलिस टैब के अंतर्गत विस्तार से बताया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल परीक्षा शुल्क के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र का कार्य करना होगा। आवेदन पत्र का मूल ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग के पुरुष, राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे किसी भी कोटि के महिला पुरुष हो, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल ₹675 लगेगा। और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति राज्य के किसी भी कोटि का हो अभ्यर्थी एवं थर्स जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल ₹180 लगेंगे। आप पेमेंट नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग UPI किसी से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश इन सब को आपको पढ़ लेना, ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको याद रहे 20 तारीख को आपको ऑनलाइन कर देना है। 20/6/2023 से आपका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा और 20/7/2023 तक ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपको एक महीने का समय मिल जाता है, इसके बीच में आपको अपना ऑनलाइन कर लेना है। जैसे स्टार्ट होगा मैं भी आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगा किस तरह से अप्लाई किया जाता है। आई होप कि आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।